चकिया किसानों के समर्थन में 100 से अधिक जन चौपाल लगा चुके तथा विधानसभा चकिया में 5,470 नए नाम मतदाता सूची में जोड़ने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित समाजवादी नेता डॉक्टर रामाधार जोसेफ और समाजवादी प्रबुद्ध सभा के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे ने झंडा दिखाकर समाजवादी प्रचार गाड़ी को रवाना किया। इस अवसर पर डॉक्टर राम आधार जोसेफ ने कहा कि यह समाजवादी प्रचार गाड़ी विधानसभा चकिया में समाजवादी विचारधारा और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। बढ़ती हुई महंगाई ने आम जनता को मार डाला है। पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छू रहा है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार ने किसान बिल वापस पहले ही ले लिया होता तो 700 से अधिक किसानों को बचाया जा सकता था। किसान बिल को वापस लेना किसानों के संघर्ष की जीत है। सभी सरकारी संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। छात्रों, किसानों, नौजवानों ने मन बना लिया है कि आमजन की खुशहाली के लिए 2022 में समाजवादियों की सरकार बनानी है। इस अवसर पर मुख्य रूप से समाज सेवी डॉक्टर राम आधार जोसेफ, समाजवादी प्रबुद्ध सभा के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे, प्रधान संघ अध्यक्ष रामलाल यादव, सूबेदार कुशवाहा अजय तिवारी, प्रफुल्ल दुबे, अजय शेखर यादव, मोहम्मद आलम, निखिल पटेल, महेंद्र यादव, सुभाष विश्वकर्मा, मोहम्मद खालिद, मिठाई लाल भारती, यशवंत मौर्य, गणेश यादव, गाजर पासवान, चंपी मिश्रा आदि लोग मौजूद थे। चंदौली से मिथिलेश ठाकुर की रिपोर्ट।